हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी का मॉडल पेपर 3। इसके पहले मैंने 1 और 2 आपको डाल दिया है वीडियो, जो कि मुझे आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे। तो आज मैं बताऊंगी मॉडल पेपर 3 का इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रतिदिन न्यू ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का या 10th क्लास और 12th क्लास तैयारी अच्छी तरह से करा दी जाती है आपके एग्जाम की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न इसमें क्या है आपका बायोलॉजी क्या है, देखिए फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी किसे बोलते हैं? तो वैसा प्राणी जिसमें नर और मादा जननांग एक ही में होता है, तो उसे बोलते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी प्राणी भी होते हैं और पुष्प भी होते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, देखिए इसमें ऑप्शन है मुर्गी, सांप, ए बी दोनों या फिर केचुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि मुर्गी तो उभयलिंगी नहीं है और सांप भी नहीं है, यानी डी राइट होगा कि केचुआ जो कि है उभयलिंगी प्राणी है, अर्थवर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद जो होता है वह जर का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जर का है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जेम्यूलस निर्माण किस में होता है? जेम्यूलस जो होता है सभी अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। तो जेम्यूलस जो निर्माण होता है वह स्पंज नामक जीवाणु में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्पंज में होता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो आप डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन पढ़े होंगे पेड़ पौधों में होता है, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक से संयोग करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनाता है, और यही जो भ्रूणपोष होता है वह जो बीज होता है उसे पोषण देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी की द्वितीयक केंद्रक से वह संयोजन करता है जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनाता है, जिससे कि भ्रूण को पोषण मिलता है, जिससे कि आपको फल वगैरह बनते हैं ना। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? इसमें से बताना है कौन जलीय जंगली घास है, जलीय जंगली घास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी और जलकुंभी। 5 का होगा आपका सी की जलकुंभी है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है या महाविपत्ति भी कहा जाता है, यह विदेश से आया है हमारे देश में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है? तो स्वपरागण किस में होता है बताना है, तो स्वपरागण होता है जो द्विलिंगी होता है उसी में स्वपरागण होता है, जो एकलिंगी होते हैं उनमें एकलिंगी जो होता है उसमें परपरागण होता है, यानी वो किसी एजेंट के द्वारा होता है, किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कीट, हवा, जल के द्वारा, लेकिन जो द्विलिंगी होते हैं उनमें स्वपरागण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन असंघ जनन द्वारा होता है? देखिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही उसमें फल या बीज लगने की क्षमता आ जाती है, यानी लैंगिक जनन का जो स्थान होता है वह अलैंगिक जनन ले लेता है, तो वह है आपका एस्ट्रेसिया एवं घास, जो कि असंघ जनन के द्वारा होता है, इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 7 का ए क्या, तो एस्ट्रेसिया एवं घास में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष जो होता है जो कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूणपोष, तो यह क्या होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या अगुणित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो भ्रूणपोष होता है वह होता है त्रिगुणित। देखिए इस सब भ्रूणपोष इस सभी पेड़ पौधे में बनता है, तो भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित या इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसके फलस्वरूप यह त्रिगुणित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण किस में होता है? तो जलकुंभी में जल के द्वारा परागण होता है, बिकॉज ये तो जल में ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाता है? देखिए, जो पुष्पासन से फल विकसित होते हैं उसे हम बोलते हैं असत्य फल। जैसे कि सेब हो गया, सेब का जो उसके साइड वाला होता है ना पुष्पासन, वह जो अंडाशय होते हैं अंडाशय को ऊपर से ढक लेता है, कवर कर लेता है, वह उसको हम पुष्पासन बोलते हैं। और जो पुष्पासन होता है फल के रूप में विकसित हो जाता है। सेव का जो ऊपर का छिलका होता है ना उसी को बोला जाता है जो कि फल का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें से राइट आंसर होगा कि सेव, सेव का पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये सभी लीची, शरीफा, ये सभी सत्य फल है जिसका कि हम अंडाशय खाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है या कीट के द्वारा या पक्षी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायु के द्वारा। मनुष्य तो गेहूं को रोपता है पोता है, लेकिन वायु के द्वारा उसमें परागण होता है जिसके फलस्वरूप गेहूं विकसित होता है, गेहूं में दाने आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या ए राइट होगा कि वायु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट में कितने कूट, जिसे बोलते हैं हम जेनेटिक कोड, तो इसमें होता है 64 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, जिबरेलिन है या जिबरेलिन क्या है? तो आप पढ़े होंगे पेड़ पौधे में भी हार्मोन होता है, जैसे कि जिबरेलिन, ऑक्सीजन, बहुत सारा है। तो जिबरेलिन जो है यह एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम है, वृद्धि एंजाइम या वृद्धि हार्मोन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वृद्धि एंजाइम है, वाली हार्मोन नहीं बोल सकते। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गर्भाशय में कपटी के एक प्रभावी एवं अत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? बताना है इसमें से जो आपका यूट्रस होता है उसमें से कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अत गर्भाशय युक्ति होने का इसका रीजन क्या है बताना है। तो इसका रीजन आपका हो जाएगा शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी लाना, ये भी हो जाएगा। फिर भी है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, ये भी आपका राइट होगा। फिर शुक्राणुओं की गतिशीलता में वो कमी लाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तीनों उपयुक्त सभी होगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, क्या जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जितनी भी पॉपुलेशन है इन सभी का स्टडी करना क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डेमोग्राफी बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? बताना है इनमें से कि सबसे अधिक और सबसे कम गुणसूत्र इसमें से किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, गुणसूत्र वन एवं गुणसूत्र वाई, यानी जो यहाँ पर वन कहने का अर्थ है एक्स, और वाई तो आप जानते हैं एक्स वाई तो दो होते ही हैं अलिंग गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। तो जो एक्स होता है तो उसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं और वाई में कम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? तो सभी को मालूम होना चाहिए उन्होंने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किस में? बताना है कि एक जीन का जो जोड़ा होता है दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को वह रोकता है, किस में रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा एपिस्टेसिस में रोकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फिर मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? अब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी ओ और ए बी, तो यह जो क्या दर्शाता है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी बहु अलील और सह प्रभाविता, यानी यह जो रक्त समूह है ना यह बहुविकल्पिता का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये बहु अलील और सह प्रभाविता दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होते हैं? मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं या एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं या एंटीबॉडी ए उपस्थित है या एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं? बताना है। तो इसमें जो मानव रुधिर ए बी वर्ग है तो इसमें ए कैपिटल ए और बी एंटीजन उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी होता है उसे हम स्मॉल ए और बी से सूचित करते हैं, वो अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपसे पूछा जाए यहीं पर कि मानव रुधिर ओ वर्ग में तो एंटीबॉडी जो होता है छोटा ए और छोटा बी वो दोनों उपस्थित रहता है, और जो एंटीजन बड़ा ए बड़ा बी होता है वो अनुपस्थित रहता है, इसके ठीक ऑपोजिट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? यहाँ पर डीएनए पूछा जा रहा है तो यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। तो देखिए कहाँ पर है डीएनए के पायरिमिडिन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
नहीं, यूरेसिल तो आपका आरएनए में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडिन पाया जाता है थायमिन और साइटोसिन। और यहाँ पर आरएनए पूछे तो थायमिन की जगह पर क्या यूरेसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा कि डीएनए के पायरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए में पाए जाने वाले तीन क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है। यानी जो टीआरएनए होता है वह एमआरएनए से उसके कोडोन से बनता है तो उसे हम बोलते हैं एंटी कोडोन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उसे एंटी कोडोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्णदंता में रोगी नहीं पहचान पाता है, यानी ये जो होता है ना कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें ऐसा दो कलर है जिसमें कि रोगी नहीं पहचान पाता है, तो उस कलर का नाम बताना है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा वह लाल और हरा रंग को पहचान नहीं कर पाता है जब व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, यानी जो तो पाया जाता है वह टी आर एन ए पर पाया जाता है ट्रांसफर आर एन ए पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, बताना है इसमें से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, तो है आपका ट्रांसपोजोन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सभी आपको याद करने का कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये आपको कंफ्यूज कर देता है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन अगर रहे कि डीएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। अभी तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं हम व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, व्यक्तिक, व्यक्तिक यानी एक्शन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, डायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, जो डायोपिथिकस थे किसके अधिक समान थे, यानी जो ये विकास चैप्टर का है आपका क्वेश्चन, इसमें बताया गया कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ था, उसमें से एप चिंपैंजी क्या क्या बताया गया है, तो जो डायोपिथिकस थे किसके समान थे बताना है, तो ये समान थे आपके एप के, ये सभी बंदर प्रजाति की तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप के हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, तो जितने भी जीवाश्म होते हैं वो सभी रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, बताना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो सभी को मालूम होना चाहिए चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्रमिक विकास में योगदान है, जो क्रमिक विकास है इवोल्यूशन उसमें किसका योगदान है, तो परपरागण का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्या है, एकिडना है, एकिडना एक जीव है, तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार की युजक करी है, यह जोड़ने का काम करता है, युजक करी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, बताना है इसमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, तो इसमें से है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसके प्रति अनुक्रिया प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, यानी हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जैसे कि कोई भी जीवाणु प्रवेश करता है तो वह उस पर प्रतिक्रिया करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रेस्टिकंसन विकार है, इसमें से कौन रेस्टिकंसन विकार है, तो है आपका एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस याद रहे, एक है एक्सोन्यूक्लियस एक है एंडोन्यूक्लियस, तो ये नहीं कि आप एग्जाम में हाबराए में एक्सोन्यूक्लियस मार दें, एंडोन्यूक्लियस होगा, बिकॉज यह जो एंडोन्यूक्लियस है यह न्यूक्लिक अम्ल का घटक है और एक्सोन्यूक्लियस जो है यह एंडोन्यूक्लियस का घटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये सभी प्रतिबंधन एंजाइम के अंतर्गत आता है, यानी रेस्टिकंसन विकार यानी प्रतिबंधन हो जाता है इसका। नेक्स्ट है, क्षय रोग का संक्रमण किस मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जो क्षय रोग यानी टीबी रोग होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, तो यह किसके द्वारा होता है, क्या हवा के द्वारा, जल के द्वारा, या आपका संपर्क के द्वारा, या कीटों के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा यह होता है आपका हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
ओपियम यानी अफीम। ओपियम किससे प्राप्त होता है, ओपियम किससे प्राप्त होता है, तो होता है आपका पेपावर सेमनीफेरम से, पेपावर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है AMPR जिन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, बताना है कि जो AMPR जिन है या किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए या उत्तरदायी है, जिसका राइट आंसर होगा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक में। अगला प्रश्न है एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, किसे नष्ट करता है, तो सबसे पहले जो एड्स का जीवाणु विषाणु है HIV वायरस, तो हमारे शरीर में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है सबसे पहले जाकर उसकी कोशिकाओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, बताना है इसमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से, और हैजा भी जीवाणु से होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है, बताना है कि भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है, तो वह साल्मोनेला के संक्रमण से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, ये किसकी जांच होती है, PCR से किसकी जांच होती है, तो जितने भी HIV वायरस है उन सभी की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है फ्लेवर सीवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सीवर क्या है, तो यह जो बायोटेक्नोलॉजी होता है ना उसके द्वारा बनाया जाता है सभी का किस्म, तो एक प्रकार का परजीवी टमाटर है यानी ट्रांसजेनिक टमाटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, परजीवी टमाटर है। नेक्स्ट है PC कल्चर किससे संबंधित है, यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है, जलीय पौधे से, जलीय जंतुओं से, या रेशम के कीट से, या लाह के कीट से, तो इसका राइट आंसर होगा या जलीय जंतुओं से संबंधित है कौन, PC कल्चर। फिर अगला है निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना या किसकी किस्म है सोनालिका और कल्याण सोना, तो आप तो आमतौर पर जानते ही है कल्याण सोना सोनालिका ये सभी गेहूँ की किस्में हैं। नेक्स्ट है फिर देखिए आपका क्लोरेला किसका उदाहरण है, यह क्लोरेला किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा यह एकल कोशिका प्रोटीन है और शैवाल, यह दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह एकल कोशिका प्रोटीन भी है और शैवाल भी है, क्लोरेला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सुनहरा धान जो भी ये भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, तो इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या थायमिन, फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या बीटा कैरेटिन, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें तो विटामिन ए पाया जाता है और बीटा कैरेटिन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बीटा कैरोटिन। नेक्स्ट है वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स, फ्लक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा जैविक खाद का मुख्य स्रोत है जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, जीवाणु जैसे कि आपका राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, एजोबैक्टर, बहुत सारा है, ये सभी जीवाणु हैं, जैविक खाद पूछे तो जीवाणु। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है बीबरी का संबंध किससे है, बीबरी का संबंध, तो बीबरी का संबंध है सेक्रोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मिथेनोजेनन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मिथेनोजेनन। अगला प्रश्न है आप जानते हैं गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है, 84% मीथेन पाया जाता है। इटली, फिर देखिए अगला है इटली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, इटली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव का, तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट, ईस्ट से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी उर्वरक है, तो यह धान के खेत के लिए, तो धान तो इसमें नहीं है, यानी धान क्या, चावल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा।
जो कि साइक्लोएस्पोरिन ए नामक प्रतिजैविक बनाता है, जिसका प्रयोग जिसके जो पर जिसका अंग कट फट जाते हैं तो उसमें किसी अन्य का अंग मतलब मांस वगैरह ढकने के लिए वहां पर कवर करने के लिए बनाया जाता है, तो इसी के द्वारा इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, किसके द्वारा इसमें पहचानते हैं बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के द्वारा पहचानते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के द्वारा। नेक्स्ट है जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है बताना है, जीन गन किसके लिए उपयुक्त है, इसका राइट आंसर होगा जीन गन उपयुक्त है संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्युगल डीएनए का निर्माण करने में, यानी डीएनए को जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह तो काट देता है, फिर लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक मूसो यानी चूहा, ट्रांसजेनिक चूहा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, आपको मालूम है कि जीव प्रौद्योगिकी के द्वारा यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो जीव बनाया गया है वह है चूहा, 95% चूहा बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है, तो जितने भी वैक्सीन या कुछ नए नए दवाइयाँ निकलती है टीका निकलता है तो सबसे पहले इन्हीं जीवों पर आपका जितने भी ट्रांसजेनिक जीव है इन्हीं सब पर प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर राइट होगा कि वैक्सीन की सुरक्षा की जाँच हेतु, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ए। फिर देखिए ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन डीएनए क्रियाधिकरण में वाहक नहीं है बताना है, इनमें से कौन है कि जो कि डीएनए क्रियाधिकरण में वाहक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति वाहक, अभिव्यक्ति वाहक जो कि डीएनए के तोड़ने में उसमें उसका जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, बिकॉज वो क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न बताना है, तो क्योंकि वो पानी की कमी के कारण शुष्क वातावरण में नहीं कर पाता है, पानी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वो पानी की उपलब्धि में ही अपना जीवन पूर्ण कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है बताना है, नए प्रजाति के निर्माण का मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण है आपका विलंगन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है, इसमें से बताना है इसमें फूड चेन कौन सही है, तो क्या घास गेहूं आम, जो कि गलत है, फिर देखिए घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर भी खा सकता है, और फिर देखिए बकरी गाय घास जो कि गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, फिर घास मछली और बकरी जो कि ये भी गलत है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऑप्शन नंबर सी नहीं बी राइट होगा आपका, इसमें का बी राइट होगा, घास बकरी और शेर, यानी जो घास होता है घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर, यानी इसमें क्या एक दूसरे पर सभी जीव जंतु निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है, तो प्राथमिक उत्पादकता थी आपका जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी हैं, और द्वितीयक है शाकाहारी जीव और तृतीयक है मांसाहारी जीव, यानी तो इसमें द्वितीय क्या शाकाहारी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरा और फाउना की, ऑप्शन नंबर ए और बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा शेर के लिए, यानी वहाँ पर शेर है, उसमें शेर को रखा गया है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण क्यों है, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जनसंख्या है, तो इसका कारण बताना है क्यों, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र की तरह बार बार हिमनद नहीं होता है, ये भी एक कारण है आपका, ये भी हो जाएगा। फिर देखा अगला है कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है, ये भी आपका राइट है। फिर है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने से जो होता है उत्पादन भी अधिक होता है, यानी इनमें से सभी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसी के कारण से वास्तव से ज़्यादा वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, यानी वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, तो ये होगा आपका डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से बताना है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के हेतु प्रयुक्त होता है। जो ग्रीन मफलर है तो ये किस प्रकार के पोल्यूशन के लिए, आपको निदान के लिए उसको ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर होगा ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण को ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना, तो आप तो जानते हैं कि 5.6 होता है, तो यानी इसमें 5.6 नहीं देता है, लेकिन नहीं दिया है तो 5 होगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 5। तो फ्रेंड्स मैंने 70 ऑब्जेक्टिव बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद जय भारत।